कुरुक्षेत्र मंगलवार की शाम को कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पर गांव कमोदा के नजदीक पुरानी रंजिश के चलते एक व्यापारी की हत्या कर उससे 2 लाख रुपए व सोने की चैन लूटने का मामला प्रकाश में आया है। ज्योतिसर चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर LNJP अस्पताल पहुंचाया व जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ढांड का व्यापारी संदीप जब अपने मित्र राहुल के साथ कुरुक्षेत्र से अपने ग्राहक से 2 लाख रुपए लेकर ढांड की ओर जा रहे थे तो पीछे से आ रही एक बुलेरो ने उनकी गाड़ी को टक्कर दे मारी, जिससे संदीप की गाड़ी असंतुलित हो गई और संदीप ने गाड़ी रोक ली। इस दौरान संदीप स्वयं गाड़ी चला रहा था, इतने में ही बुलेरो गाड़ी से 10-12 व्यक्ति उतरे व सीट पर बैठे हुए कई गोलियां भी संदीप के सिर में मारी और संदीप की मौके पर ही मौत हो गई। संदीप की हत्या के चश्मदीद गवाह व संदीप के साथ गाड़ी में सवार राहुल ने बताया कि यदि वह थोड़ी सी भी ढील करता तो हत्यारे उसके ऊपर भी हमला कर देते। संदीप के साथी राहुल ने बताया कि जिन लोगों ने संदीप की हत्या की है इनका पिछले दिनों से ही जाजनपुर के कुछ लोगों के साथ झगड़ा चल रहा था। झगड़े को निपटाने में संदीप व राहुल अहम भूमिका निभा रहे थे, इसी के चलते ही वे संदीप की जान के दुश्मन बन गए थे। राहुल ने जानकारी देते हुए बताया कि वे सभी हथियारों को पहचानते हैं। मैं और संदीप लड़का थे, दोनों कुरुक्षेत्र से डांड की तरफ जा रहे थे, तो एक बुलेरो गाड़ी आई पीछे से, आते हिट किया गाड़ी को, जिससे गाड़ी संदीप चला रहा था, गाड़ी उससे डिसबैलेंस हो गई, गाड़ी साइड में लगी और अपना वो गाड़ी बुलेरो आगे रोक के उतर भाग के हथियारों के साथ भाग के आए। मैं वहाँ से उतर के थोड़ा दूर उनसे निकल गया और वहाँ से खड़े होकर देखो ना 6-7 राउंड गोलियाँ चलाई हैं और गंडा शीशुओं से उस संदीप को बैठे बैठाए को। तो क्या आप यहाँ पे कुछ पैसों के लिए आए थे या बिजनेस था? यहाँ ये संदीप है जो लड़का, इसका बजरी सीमेंट रेत का काम है, यहाँ पे माल वगैरह सप्लाई करता था, तो उसकी पेमेंट लेने आए थे, तो जिससे इसने पेमेंट ली मैं गाड़ी में बैठा रहा, ये उतरा पेमेंट लेके वापस आ गया और हम वापस चल दिया। कितने पैसे लूट के ले गए जो हथियारे थे? उसमें 2 लाख रुपए गाड़ी में थे और एक सोने की चैन, दो चीज़ मिसिंग है दोनों की। इससे और जो हमारे मतलब डांड के ये लड़के, इनका जाजनपुर के लड़कों के साथ झगड़ा चल रहा था, जिसमें मैं और संदीप दोनों पैरवी कर रहे थे, इनकी पंचायतों में आना जाना, ये उस चीज़ की रंजिश लिए हुए थे, भाई तुम दूसरे गांव के लड़कों के साथ पैरवी में आ रहे हैं, पंचायत में आ रहे हैं, उस रंजिश में मतलब इन्होंने कई बार धमकी दे दी थी। तो आप छान लिए अपने लोग कौन थे? हाँ, सभी को पहचान लिया। तो उसने एकदम गाड़ी को हिट किया, हिट करने के बाद उसमें से 10-12 लड़के थे जो नीचे उतरे, जिनके हाथों में हथियार शुआ कट्टे और विराशी थी, जिन्होंने एकदम उसको चारों तरफ से घेर के उस लड़के को, संदीप नाम के लड़के को, सीट पर बैठे हुए शुए से, विराशी से और गोली मारकर उसकी मौके पर ही हत्या कर। सर अभी हथियारे फरार है? अभी उसके संबंध में राहुल का बयान लिख के उस पर मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं और जो आरोपी हैं उनकी तलाश के अंदर एक टीम निकल चुकी है। तो अभी जो शव है उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया? अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, अभी कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे ही डॉक्टर साहब से कागज पुटअप करेंगे तो उसका पोस्टमार्टम। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।